आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए मुआवनत जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वजीर खजाना की वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल से आगाह किया। असद उमर कहते हैं कि आलमी बैंक के सदर ने मुल्क में जारी मुआशी इस्लाहात को सराहा। वजीर आजम इमरान खान इस्लाहात के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। बैनुल अक्वामी कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। आमदन से ज़ायद असासा केस, गिरफ्तार PTI रहनुमा अलीम खान आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नैब टीम हतमी रिपोर्ट जमा कराएगी। कोयटा के कुछ लाख ज़ियारत रोड पर बस उलट गई, हादसे में दो अफराद जान बहक, कई मुसाफिर जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाहौर के इलाके बादामी बाग में पुलिस वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक, मुश्ताइल मुजाहिरीन का एहलकार पर तशद्दुद। जाय वकुआ पर एहलकार गन छोड़कर फरार, वाकये का पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सियालकोट के बासीवाला नहर में दादा और दादी ने पोते की जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। दादा की लाश निकाली गई, दादी और पोते को नहर से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और भारत में जनरल इलेक्शन का पहला मरहला शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत 18 रियासतों में लोकसभा की 91 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। मोदी की BJP और राहुल गांधी की कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इलेक्शन 19 मई को खत्म होंगे। सरकारी नतीजे का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत की अपील पर आज मुकम्मल हड़ताल है।